जी 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 हाँ जी कौन सी? अब वो फरमाइश आप खुद भूल गए, ठीक ना भैया? कोई मिसरा तो बता देते लला। चलिए ठीक है, मेरा लेख नासिफ के लिए मुझे हुक्म दिया गया। आज हाफिज हसन मुझे कह रहे थे कि भैया जहाँ तक हो सके ना मनाकिब पढ़नी है। मनाकिब तो मनाकिब तो एक नासिफ आप समाप्त करिए, उसके बाद तसलसल से मैं मनकबत पेश करने की कोशिश करूंगा। और वक्त कितना है मुझे नहीं अंदाजा, मेरा वक्त की मुनासिबत से मैं पढ़ रहा हूँ। कहता है शायर कि ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है, नहीं किसी का मकाम ऐसा जो बाद जिक्रे खुदा है अफजल, है जिक्र खैरुल अनाम ऐसा जो बाद जिक्रे खुदा है अफजल, है जिक्र खैरुल अनाम ऐसा। तेरे नबी पर ये उम्र बीते हो मुल्क में दवाम ऐसा, तेरे नबी पर ये उम्र बीते हो मुल्क में दवाम ऐसा कि मदीने वाले कहे मकामी हूँ उनके दर पर कयाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हूँ उनके दर पर कयाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पर कयाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पर कयाम ऐसा। लब पे नामे नबी जब आया पूरे ज़िम्मा देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा, जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा। टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा, ऐसा जो टाल देता है मुश्किलों को मेरे नबी का है नाम ऐसा। मुझे को देखो वो बेतलब ही नवाजते जा रहे हैं, हम मुझे को देखो वो बेतलब ही नवाजते जा रहे हैं, पे न मेरा कोई अमल है ऐसा, न मेरा कोई है काम ऐसा, न मेरा
का कोई अमल है ऐसा, न मेरा कोई है काम ऐसा, न मेरा कोई अमल है ऐसा, न मेरा कोई काम ऐसा। उस्ताद खालिद महमूद और खालिद ने ये कलाम लिखा और आपको पता है कि मैंने कितने अशार पढ़े इस कलाम के अभी तक? चार। मैं पढ़ता भी रहता हूँ, गिनता भी रहता हूँ। चौथा शेर पढ़ने के बाद हमेशा इस कलाम का छठा शेर नईम भाई में पढ़ा करता था। पांचवा शेर इसलिए नहीं पढ़ सकता था कि पांचवा शेर इसमें था ही नहीं। पांचवा शेर शायर ने नहीं लिखा था, नहीं लिखा था शायर ने, और पांचवा शेर होना जरूरी था, जरूरी था। अल्लाह सलामत रखे भाई अख्तर रहमानी साहब को, माशाल्लाह इन्होंने भी महसूस किया कि भैया पांचवा शेर नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है रहमानी साहब, आप मेहरबानी करें, चूंकि माशाल्लाह कुछ शायर है तो इन्होंने मुझे पांचवा शेर अता किया। उनका लिखा हुआ पांचवा शेर मैं यहाँ पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। पांचवा शेर जाहिर है पांचवा शेर सबके लम्हे है, सबको पता है कि पांचवा शेर हुजूर के घर वालों की नजर होता है, सरकार के घर वालों की नजर होता है पांचवा शेर। पांचवा शेर इस तरह लिखा शाहिद ने कि हुसैन हुसैन कुरान के हैं वो कारी जो नोके नेजा पे भी ये बोले। हुसैन कुरान के हैं वो कारी जो नोके नेजा पे भी ये बोले के सिवा खुदा के नसर झुकाना दिया जहां को पयाम ऐसा, नसर झुकाना दिया जहां को पयाम ऐसा। मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पर कयाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी वो उनके दर पे कयाम। हुसैन कुरान के हैं वो कारी जोनों के नेजा पे भी ये बोले सिवा खुदा के नसर झुकाना दिया जहां को पयाम ऐसा, सिवा खुदा के नसर झुकाना दिया जहां को जो गमजदों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले, जो गमजदों को गले लगा ले बुरों को दामन में जो छुपा ले है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल अनाम ऐसा, है दूसरा कौन इस जहां में सिवाय खैरुल अनाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो
नसीब ऐसा गुलाम हो तो नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो गुलाम ऐसा है जितने अकलों खिरद के दावे सब उनकी गर्दे सफर में गुम कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा मकाम मुस्तफा का कि नमाज नमाज अकसामी जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले नमाज नमाज अकसामी जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले कि नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो خالد کہتی ہیں کہ میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا